घूम फिर के आके साहब मेरा एक छोटा सा तो काट ही दो, मैं थोड़ी देर बात करूंगा उसे। जिंदगी की भीड़ में कुछ ऐसे खो गए पता ही नहीं चले, टमाटनता के दरबार में हम भी हाजिरी लगा रहे हैं आज। चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। तो पृथ्वीराज नाम भी ऐसा है कि योद्धा का फील आए। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र चोपड़ा, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज हम लोग आए हैं पीके सर के साथ और आज हम कुछ बातें करते हैं इनसे। सर नमस्कार। सर आप मुझे बताएं कि मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो काफ़ी हंसमुख बातें होती हैं और जो जिससे आप जिसको आप रोकते हैं उसको डर लगता है कि चलान का, लेकिन आपके पास आते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंसली बात करते हैं आपसे कि यार आज इन्होंने सर ने रोका है, तो उनको ये पता होता है कि चलान तो मुश्किल कटेगा, आज मुझे कुछ मिलेगा, समझदारी मिलेगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सर कुछ बताएं सर मुझे आप। बिल्कुल, मैं जयपुर में रोड सेफ्टी इंचार्ज हूँ ट्रैफिक अवेयरनेस का, और अभी हम यहाँ पे जो मुहिम चलाते हैं रोड पे लोगों को समझाइश करते हैं, इसके अलावा स्कूल अभी बंद थे, अब स्कूलों में दोबारा से अवेयरनेस का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे होटल है, हॉस्पिटल है, जो इम्प्लॉइज़ हैं, अपने विभाग हैं विभिन्न सारे, उनमें जा जा के हम लोगों को अवेयर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समझाने का आनंद प्रैक्टिकल में ही आता है, रोड पर ही आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मुझे ये बताएं कि आप जितने भी लोगों को समझाते हैं उनका क्या रेस्पॉन्स होता है? उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होता है, रोड पे या कहीं भी जीवन में भी यही बात होती है कि आराम से बात करना चाहता है आदमी, गलती के बावजूद भी अगर उसको ज़ोर से भी बोलेंगे तो वो उछल के पड़ता है, तो अगर प्यार से बात करेंगे तो गलती मान भी लेता है और भली आराम से वो चालान भी करवा लेता है, तो वो उसके मन में रहता है कि दोबारा गलती ना हो, और अगर अपन उसको थोड़ा सा कर्कश बोल देते हैं तो फिर वो एक गलत इमेज भी ले जाता है। जिनका आप चलान काटते हो उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है, वो कैसे फिर क्या बोलते हैं आपको? कई तो घूम फिर के आके साहब मेरा एक छोटा सा तो काट ही दो, मैं थोड़ी देर बात करूंगा उसे। ये सर महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसके बारे में दो शब्द बताएं। जिंदगी की भीड़ में कुछ ऐसे खो गए पता ही नहीं चले, टमाटर कब 180 रुपए किलो। देख रहे हैं आप, लिटरली मैंने इनका वीडियो देखा सब जगह, इतना मजा आया मुझे, और मैं पिछले 7 दिन 8 दिन से बीच में मैं कहते थोड़ा बिजी हो गया था, फिर सर का मैंने आज फ़ोन किया कि सर आज मुझे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए तो मैं आ रहा हूँ तो आप मुझे मिलें, तो आज सर का मैं इंटरव्यू लेने आया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। सर और बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? जनता के दरबार में हम भी हाजिरी लगा रहे हैं आज, और हम ये चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से हम ये जो अवेयरनेस के अलग जगाए हुए हैं, हमारे बड़े ऑफिसरों का यही निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, पुलिस की जो छवि और बेहतर से बेहतर होती जाए, इसके लिए हम लोगों को समझाइश करते हैं और लोगों को साथ लेके चलने की एक मुहिम छोड़ रखी है हमने, क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचें ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। यही इनकी खास बात कि बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ये शायरी करते हैं, अचानक शायरियाँ याद आती है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई रट्टा मार रखा हो, मैंने कई बार देखा ये चीज़ें। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ मिलके, पीके सर से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और जब भी कोई भी अपन इंटरव्यू लो किसी से तो रोड सेफ्टी की या जीवन में सेफ्टी की, वुमेन एम्पावरमेंट की, सामाजिक इशू को मेरा मतलब है उठाएं, तो जिससे समाज आपसे जुड़ेगा, आपकी बात भी लोकल लोगों तक जाएगी, बड़े लोगों तक, सबके पास जाए, छोटे बड़े कोई नहीं होता, आदमी को समय पर अवेयरनेस मिल जाती तो जान बच जाती है, तो हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हों, एक आदमी हों, अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होते हैं, इस दुनिया को बचा के रखने का दायित्व तो हम सब का है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और हम सर के साथ मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बने रहें जनता दरबार न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। क्या काम करते हो? वीडियो देखता हूँ, तो बहुत ऊंचाई से देख रहा है। चलो बहुत बढ़िया, और ये तो हाइट बहुत अच्छी है यार, ऐसे हाइट के लिए तो लोग वो करते हैं, तो पृथ्वीराज नाम भी ऐसा है कि योद्धा का फील आ रहा है, और 200 हेलमेट लेके डोल रहा है इस बच्चे में, देखो कितनी मेहनत कर रखी, तो इनका क्या लगता है भैया है क्या? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तो तुम सारे खानदानी ऐसे मजबूत कर ज़्यादा बढ़ गई है ना।